जब कोई मरता है लोग ये नहीं पूछते कि अरबपति जी क्या ले गए अपने साथ, कहते वो बूढ़ा क्या छोड़ के गया। तो जो मनुष्य को उपदेश दिया जाता है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, अपने जीवन को सरल रखो और अपने सोच को ऊंचा करो। श्री कृष्ण कहते हैं ये कर्म योगी लोग संग्रह की ओर नहीं बढ़े, केवल शरीर निर्वाह के लिए जितना जरूरी था उतना प्राप्त किए और बाकी अगर आ गया तो दान कर दिए। इक्कीसवा, निराशीर्यत चित्तात्मा, निराशीर्यत चित्तात्मा, त्यक्त सर्व परिग्रह, त्यक्त सर्व परिग्रह, शरीरम केवलम कर्म, शरीरम केवलम कर्म, कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्, कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं ऐसे कर्म योगी निरर्थक वस्तुओं का संग्रह नहीं किए, जितना जरूरी था शरीर के निर्वाह के लिए उतना ही रखे। संग्रह एलेक्जेंडर ने किया था, सिकंदर बादशाह ने, जो विश्व पर विजय प्राप्त करने चला था वो सिकंदर बादशाह, वो जगह जगह जाकर युद्ध करके और वहां से खजाने लूट के संग्रह करता था। तो बताया जाता है सिकंदर का के इतने खजाने हो गए थे कि वो खजानों की चाबियों को उठाने के लिए 3 ऊंटों की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन वो सिकंदर, उसने अपने विल में लिखा था, उसने कहा था मैं जब मरूंगा मेरे हाथ कफन से बाहर रखना। लोगों ने कहा ऐसा क्यों? उसने कहा सारा संसार देख ले कि मैं साथ में कुछ नहीं ले गया, यानी जितने भी खजाने थे यही के यही धरे रह गए, इकट्ठे घर जहां के जर सभी लोगों के माली थे, सिकंदर जब गया जहां से दोनों हाथ खाली थे। तो जितना भी हम इकट्ठा करें हमको ये याद रखना है कि साथ में कुछ नहीं जाने वाला है। जब अंतिम शव यात्रा घर से निकलेगी, वो जो सोने की कंठी है, अंगूठी है, बटुआ है, वो सब को छोड़ के जाना पड़ेगा। जैसे किसी ने कहा कि दुनिया में खूब कमाया, क्या हीरे क्या मोती, लेकिन क्या करें यारों, कफन में जेब नहीं होती। जो कफन है उसमें कोई जेब तो है नहीं, तो खाली ही गए। जब कोई मरता है लोग ये नहीं पूछते कि अरबपति जी क्या ले गए अपने साथ, कहते वो बूढ़ा क्या छोड़ के गया। एक व्यक्ति था, वो कमाते 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 उसने 500 करोड़ की संपत्ति इकट्ठी कर ली, करोड़ी मल हो गया। अब 60 वर्ष का हुआ, उसने कहा भाई 60 वर्ष का मैं हो गया कमाते कमाते, तो
कमाने के लिए तपस्या करनी पड़ती। क्षणशः क्षणसो विद्या, कणशः कणसो धनम। कोई विद्वान बनता है एक एक क्षण विद्या उपार्जन करके बनता, और कोई धनवान बनता है अपनी वासनाओं को मार मार कर एक एक रुपया बचा बचा कर बनता। तो उसने कहा, मैंने 60 वर्ष तो इतनी तपस्या की, अब 500 करोड़ हो गए, अब इनका थोड़ा भोग करें। सिंगापुर जाए, हांगकांग जाए, विश्व भर में घूमे, लेकिन यमराज जी के अलग विचार थे। यमराज जी आके खड़े हो गए। उन्होंने कहा, चलो तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। सेठ जी को फिक्र थी, एक एक के 10-10 कीजिए, इतने में मौत आ गई, हुजूर जान वापस दीजिए। तो यमराज ने कहा, टाइम हो गया, चलो हमारे साथ। उसने कहा, यमराज जी आप अच्छा मजाक करते हैं, मैंने इतनी मेहनत की, आप कहते हैं टाइम हो गया, मुझे 3 साल का समय दो, कम से कम मैं इसका थोड़ा आनंद तो लूं। यमराज जी ने कहा, जो टाइम हो जाता है उसको आगे बढ़ा नहीं सकते। अरे महाराज, 3 महीने का समय दे दो। नहीं, 3 दिन बिल्कुल नहीं। तो लास्ट में कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला, यमराज जी ने कहा, ठीक है 3 मिनट हम दे देते। क्या करोगे 3 मिनट में? 3 मिनट में उसने एक कागज पर चिट्ठी लिखी और मर गए। लोगों ने कहा, ये अरबपति ने मरते समय क्या लिखा? तो उसने लिखा वहां पर कि ए मनुष्यों, निरर्थक संग्रह करने में अपना आयु, अपना जीवन मत गवाओ। मैंने 500 करोड़ का संग्रह किया, लेकिन उसके द्वारा 3 दिन का एडिशनल समय नहीं प्राप्त कर पाया। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।